हुए कुछ राजस्थान से हलचल की खबर है। राजस्थान के बारा से मिल रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मेहर भोज की जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की बात सामने आ रही है। रैली निकालने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। शहर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना घटे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बढ़ी हुई फोर्स की है, पुलिस की तैनाती की है। राजस्थान के बारा से बड़ी खबर, मेहर भोज की जयंती पर सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैली निकालने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। शहर में ऐसे में पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है। राजस्थान के बारा से ये बड़ी खबर और साथ ही साथ ये तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एक ही साथ इतने ज्यादा पुलिस वाले इसलिए हैं क्योंकि रैली निकालने को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। यहाँ कोई टकराव की स्थिति ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी तरह से बिगड़ ना जाए, इस बात का ख्याल यहाँ पुलिस के जरिए रखा जा रहा है। और ऐसे में एहतियातन ये बड़ी फोर्स आपको नजर आ रही है, पुलिस वालों की संख्या आपको नजर आ रही है। राजस्थान के बारा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हम देख रहे हैं गणपति उत्सव हो, गणपति विसर्जन हो, देश के अलग अलग हिस्सों से हमने देखा है कि पथराव की और कुछ हिंसक खबरें आई हैं सामने। ऐसे में मेहर भोज को लेकर ये जानकारी मिल रही है राजस्थान के बारा से, जहाँ पर मेहर भोज की जयंती पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अनहोनी, कोई अप्रिय घटनाएं ना घटे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट राजस्थान के बारा से आप देख रहे हैं। दरअसल जानकारी ऐसी थी कि यहाँ मेहर भोज जयंती के मौके पर कुछ उपद्रवी हालात को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। माहौल ऐसे में गरमाया और आप ये एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती देख रहे हैं। बारा से इंडिया न्यूज संवाददाता लक्ष्मी चंद नागर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। लक्ष्मी चंद, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती देख रहे हैं तस्वीरों में ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, लेकिन क्या कोई ऐसी सूचना मिली थी कि माहौल बिगड़ सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात को मेहर भोज जयंती को लेकर के कलेक्टर और एसपी के साथ गुर्जर समाज की बैठक हुई थी, साथ में एक राजपूत समाज भी साथ में था। ये दावा किया जा रहा है, दोनों अपने अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं दोनों समाज। राजपूत समाज कह रहा है कि मेहर भोज है जो कि हमारे वंशज हैं, वहीं गुर्जर समाज अड़ा हुआ है कि ये हमारे वंशज है। इसी बात को लेकर के ये वाहन रैली निकालने को लेकर के जिला कलेक्टर से परमिशन लेने के लिए गए थे, परमिशन इनको नहीं दी कलेक्टर ने विवाद को देखते हुए किसी भी समाज को। फिर भी उसके बावजूद भी गुर्जर समाज मेहर भोज जयंती की रैली निकालने पे तुलाव अड़ा हुआ है और भारी संख्या में एक निजी रिसोर्ट में अभी इकट्ठे हो रहे हैं। वही एहतियात के तौर पर